वैश्य व्यापार न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साक्षी वर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं दिन भर की खास खबरों से। अखिल भारतीय रौनियार महासभा के 27वें लोकतांत्रिक रूप से समाज के चुनावी महापर्व का समापन हो गया। पूरे भारत के कई राज्यों के 1030 मतदाता लोगों के साथ विदेशी लोगों ने भी इसमें भाग लिया। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भगवान गुप्ता ने कहा कि मैं समाज के सभी लोगों का नमन करता हूं कि उन्होंने 45% मतदान किया। साथ ही भगवान प्रसाद गुप्ता, वैश्य व्यापार न्यूज चैनल के अध्यक्ष आर के जलान और CEO कुमार विजय ने भी चुनाव में सफल नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता, राष्ट्रीय महामंत्री राजीव रंजन गुप्ता, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष विजय कुमार गुप्ता, राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष रगीना देवी, राष्ट्रीय महिला महामंत्री दीना रानी गुप्ता, राष्ट्रीय महिला कोषाध्यक्ष अंजू गुप्ता, राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष राकेश कुमार गुप्ता, राष्ट्रीय युवा महासचिव राकेश रोशन, राष्ट्रीय युवा कोषाध्यक्ष उमेश प्रसाद को शुभकामनाएं दी। चित्रा मुद्गल की खबर के अनुसार जोधपुर बाड़मेर हाईवे पर स्कॉर्पियो कार व पिकअप वैन गाड़ी में जबरदस्त टक्कर हुई, जिससे भांडू कला के 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। देश के प्रसिद्ध जैन तीर्थ क्षेत्र कुंडलपुर में पहाड़ी पर स्थित आधा दर्जन से अधिक मंदिरों पर चोरों द्वारा धावा बोल कर चोरी किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मामले का दुखद पहलू ये है कि वारदात के वक्त CCTV कैमरे बंद होने के साथ ही सुरक्षा कर्मी भी वहां से नदारद थे। SP विवेक अग्रवाल ने कुंडलपुर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया, जिसके बाद SP विवेक अग्रवाल ने कहा कि अपराध पंजीबद्ध करके पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जल्द ही सभी अपराधियों को पुलिस अपनी गिरफ्त में लेकर मामले का खुलासा कर देगी। कर्नाटक में कल JDS के नेता कुमार स्वामी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही ये मामला एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। कर्नाटक में कांग्रेस JDS गठबंधन को सरकार बनाने का मौका मिलने के खिलाफ अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। वहीं येदुरप्पा ने कर्नाटक के एक गाँव में VVPAT मशीनें मिलने के मामले में चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक के मुद्दे पर कहा है कि हमारा पहला उद्देश्य विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव और विश्वास मत हासिल करना होगा। इन दोनों के बाद ही बाकी बातों पर चर्चा होगी। देश भर में आए दिन रेप की घटनाएं हो रही हैं और इसको लेकर बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। इसी बीच सपा के महासचिव रामशंकर विद्यार्थी ने महिलाओं के कपड़ों और रेप को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने रेप के लिए महिलाओं के कपड़ों को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि रेप तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि अश्लीलता पर प्रतिबंध नहीं लगेगा। आज सामाजिक सुधार आंदोलन के प्रणेता राजा राम मोहन राय की जयंती है। सर्च इंजन गूगल ने भी आज डूडल तैयार कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। गूगल ने उनकी 246वीं जयंती पर एक एनिमेटेड फोटो के जरिए डूडल बनाया है। भारत के विचारों में सुधार लाने वाले राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 को हुआ था और उन्हें आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है। जम्मू कश्मीर में सेना पर पाकिस्तान की तरफ से लगातार फायरिंग की जा रही है। पिछली 2 रातों में पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के अरनिया और आलसपुरा में ताबड़तोड़ फायरिंग की है। भारत की ओर से सेना और सुरक्षा बलों पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब तो दे रहे हैं, लेकिन शहादत का सिलसिला रुक नहीं रहा है। देहरादून में जब शहीद दीपक नैनवाल को अंतिम श्रद्धांजलि दी गई तो उनकी नन्ही सी बच्ची समृद्धि खुद को रोक नहीं पाई। दिल्ली पुलिस ने एक अपराधी की गिरफ्तारी करने के बाद भरे बाजार उसकी न्यूड परेड निकाली। अपराधी पुलिस से लगातार कपड़े पहन लेने की गुजारिश करता रहा, लेकिन दिल्ली पुलिस ने करीब 500 मीटर तक उसकी न्यूड परेड निकलवाई। ये पूरी वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई है। आरोपी को नग्न अवस्था में ही थाने तक ले जाया गया। इस पर पुलिस का दावा है कि गिरफ्तार किया गया व्यक्ति एक शातिर और कुख्यात अपराधी है। पाकिस्तान भले ही आतंकवाद के मसले पर दुनिया में बेनकाब हो चुका है, लेकिन वो सैन्य धमकी देने से बाज आता नहीं दिख रहा है। पाकिस्तानी सेना के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन जुबैर महमूद ने कहा कि अगर इजराइल पाकिस्तान की धरती पर आक्रमण की कोशिश करता है तो हम 12 मिनट से कम समय में ही यहूदियों के शासन को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। दिन भर की खास खबरों में साथ अभी सिर्फ इतना ही। देखते रहिए वैश्य व्यापार न्यूज। Thank you.